गाइज गुड आफ्टरनून, कैसे आप सब? होप करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है 22 अक्टूबर, तो आज है अष्टमी का डे। तो अभी जो मैंने आपके साथ साड़ियाँ शेयर की हैं गाइज, एक ग्रीन कलर की और एक मरून कलर की। तो ग्रीन कलर की है मेरी नन साहिबा जी के लिए और जो मरून कलर की है वो रचना के लिए। मैंने संडे को ऑर्डर किया था। ये एक्चुअली इंस्टाग्राम पर पेज है वस्त्र, मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, अभी मेरे दिमाग में नहीं है। और साड़ी की वैरायटी आपको बता देती हूँ, ऑसम है गाइज। जैसा कि उस पेज पर दिखा रहे थे कलर कपड़ा जो भी, बिल्कुल एज इट इज आई है वो साड़ी। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है, मम्मी जी को भी, रचना को भी, होप के दीदी को भी अच्छी लगे। अच्छा, आज अभी मैं जा रही हूँ मार्केट क्योंकि करवा चौथ के लिए शॉपिंग करनी है। दीदी के लिए कुछ कॉस्मेटिक का सामान लेकर आना है, बैंगल्स वगैरह। खुद के लिए भी मैं सूट लेकर आऊंगी जो मम्मी जी की तरफ से होगा, क्योंकि मैंने जो साड़ियाँ ऑर्डर की हैं मैंने खुद के लिए कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था, क्योंकि अभी आपको पता है कि आईफोन कितना ज़्यादा कॉस्टली लिया है, तो मेरा मन नहीं था कि मैं और ज़्यादा खर्चा करूँ। तो मम्मी जी की तरफ से मुझे सूट मिलेगा आज, और एक सूट दीदी के लिए भी लेकर आऊंगी वो। तो अभी चलते हैं मार्केट, मैं, रचना और पवन भैया। महंगी नहीं लाई अंदर जिधर कुछ ही 350 रुपए किलो आ दोगे तेरी आ है या खराब हो रहा है। तो गाइज मैंने अपनी नन साहिबा जी के लिए ये वाला सूट लिया है। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला सूट लिया है, लेकिन मैंने खुद के लिए अभी भी नहीं लिया क्योंकि घर जाने की जल्दी थी हमें। तो मैं बुधवार को फिर आकर लेकर जाऊँगी। खुद तो आज है गाइस 23 अक्टूबर, आज हम अपनी नन साहिबा जी के घर जा रहे हैं जो करवा चौथ का व्रत है वो देने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है कि अपनी बेटी अपनी बहन को हर साल करवा चौथ का व्रत देते हैं, कपड़े वगैरह जो भी कुछ होता है वो देने जाते हैं। तो इस साल हम जा रहे हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे आ जा रहे हैं और कल वापस आ जाएंगे, क्योंकि अभी शाम के बज रहे हैं, 5 बजने वाले हैं और अभी हम निकलेंगे और पहुंचेंगे हम 8 बजे के करीब, है ना? 8 बजे तक पहुंच जाएंगे ना, तो 8 बजे तक पहुंच जाएंगे और कल वापस आ जाएंगे। और वहां पर जाकर मैं आपको अपनी नन साहिबा और बच्चों से और फैमिली से मिलवाऊंगी। तो मैं तैयार हूँ, हस्बैंड भी तैयार हैं, बच्चे भी तैयार हैं, बट पौने में टाइम तो हमारे यहाँ इस बात का भी विचार किया जाता है कि पौने में नहीं निकलते, सभा में निकलते हैं। तो अभी 4:45 हो रहे हैं, जब 5 बज जाएंगे तब हम निकलेंगे घर से। और ये मेरा देवर हेलो हाई करते हुए, एंड दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे, प्लाजो पहना है खुला। बच्चों आपको बताया था, तो अभी गए तो 6:30 होने वाली है और
नाश्ता तय कर चुके हैं, आधा अभी बाकी है। और बच्चे बोल रहे थे कि भूख लगी तो कुछ खाने पीने के लिए निकल रहे हैं, गाड़ी रोक है। और तबीयत मेरी ख़राब होनी शुरू हो चुकी है गाड़ी में बैठते ही। एक्चुअली तबीयत तो मेरी पहले ही ख़राब थी थोड़ी सी, पेट में दर्द था घर से निकलने से पहले ही दोपहर का, बट अभी और भी ज़्यादा बढ़ चुका है सफ़र के दौरान। जैसा कि मेरे साथ हर बार होता है कि सफ़र मुझसे नहीं हो पाता, तबीयत मेरी ख़राब होनी शुरू हो जाती है और बैक पेन भी हो रहा है डिस्क वाला। तो गाइज अभी 7:45 हो चुके हैं, 8 बजे तक हम पहुंच जाएंगे वहां पर। रास्ते में रुके हैं मिठाई वगैरह फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए। मम्मी मैं जूड़ा दिखा दूं नानू, यार दिखा दे इधर, नो इस साइड हो जा, इस साइड अभी से दिखा, एदा बुद्ध इधर नु देख शीश, हां इधर इधर इधर, हां चलो ठीक है गाइज इस तक का जूड़ा देख लो जो इसके चाची ने बनाया है। ये है मेरे टो पहुंचने वाले हैं, गाइस मेरी बहन आई है वहां पे। हेलो सर, कपड़े बना दो मैं टेक दे मत्था, ठीक है सर। मिस्टर डे आ जाओ मासी पहुंचे है। फिर गड्डी अंदर ही बाहर आने से ऐसी कह गए। तो चूड़ियों की डब्बी ले मम्मी ने। तो मिलेगा इस हमारी नन साहिबा जी से, हमारी दीदी। क्या बना रहे हो आप? मैं बना रही हूँ इडली। नाश्ते में इडली बना दूंगी, मेरी भाभी ने खाई नहीं है रात की। हाँ मैंने आज तक नहीं खाई इडली। तो गुड आफ्टरनून गाइस, अभी हमारी जाने की तैयारी है, 12:30 बज रहे हैं, बस 1 या फिर 2 बजे तक निकल जाएंगे। मैं तैयार हूँ, बच्चे भी तैयार हैं। 1 या फिर 2 बजे? हाँ क्यों होने क्या कर रही है? चावल बना रही कड़ी, मैंने बना दी चावल बना, मेरी भाभी कहते हैं कड़ी। तो चलिए बाद में बात करते हैं। स्कूल आ रहे पता मूवी च अम्मा नु बनाने पहले नहीं आती सवेरे जाना था। कौन किया तो गाइस हम निकल चुके हैं दीदी जी के घर से।
ढाई बज चुके हैं, लगभग 6:30-7 बज तक हम पहुंचेंगे घर। और इस ब्लॉग की एंडिंग मैं यहीं पर करती हूँ। होप यू लाइक दिस ब्लॉग, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, बाय बाय सारे घर पे जाके।